दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच सबसे रोमांचक T20 सीरीज का लुत्फ उठाने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले T20 में बांग्लादेश को कुचलने के लिए गुस्से से आग बबूला गौतम गंभीर ने कर दिया है भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। गिल जैसे टीम पर बोझ बने खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता, ऐसे खूंखार भूखे शेरों को टीम में मौका दिया है। नाम सुनकर ही कांप जाएगा बांग्लादेशी खिलाड़ियों के पैर। तो आखिरकार कब और कहां खेले जाने वाली है इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये कांटे का पहला T20 मैच? किन 11 धुरंधरों के साथ मैदान में कदम रखेंगे हेड कोच गौतम गंभीर? क्या है भारत की प्लेइंग 11? ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे बेहतरीन कप्तान? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया का श्रीलंका दौरा तो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहा। जहां T20 सीरीज में तो टीम इंडिया ने आसानी से 3-0 से श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर दिया, लेकिन वनडे सीरीज में श्रीलंका ने भारत का सूपड़ा साफ करते हुए हिसाब बराबर किया। हमारे वनडे टीम को 2-0 से धूल चटाकर इतिहास लिखा, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया था। लेकिन अब भारतीय फैंस के लिए कुछ खुशियां दुगनी होने जा रही हैं, क्योंकि अब एक नए दौरे का ऐलान हो चुका है, जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बहुत जल्दी टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो आपको मालूम ही है। वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं। इसलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया आने वाली है। इसके पूरे स्केड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसका तारीख सामने आ चुकी है। पहला वनडे मैच 12 अगस्त को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 16 अगस्त को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में दो दो हाथ करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है, और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार कर ही देगा, जैसा हमेशा होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में यह सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुका है। आपको याद होगा, श्रीलंका के खिलाफ सूर्य को हिंदुस्तान का कप्तान बनाया गया था, उन्होंने टीम इंडिया को 3-0 से जीत दिलाई थी। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ भी सूर्य के कंधों पर टीम की कमान रहने वाली है। वहीं हार्दिक पांड्या को टीम का उपकप्तान बनाया जाएगा। इसके साथ ही कई नए चेहरों को भी टीम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाली ये सीरीज तो काफ़ी रोमांचक होने वाली है, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलिए BCCI और सर कोचिंग गौतम गंभीर के द्वारा की गई भारत की पहली T20 में प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों को उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली हैं, ये दोनों T20 में कितने खतरनाक हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है। जहां अब शुभमन गिल से गौतम गंभीर का भरोसा उठ चुका है, तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है, जिनके कंधों पर दोबारा गंभीर के भरोसे पर खड़ा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहीं चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली T20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI द्वारा दिया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन T20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो वहीं सातवें और आठवें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीजों में लाजवाब प्रदर्शन किया था। नौवें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार